हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे द अदर्स मूवी की। यह एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। ईयर 2001 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 7.6 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 83% एंड ऑडियंस स्कोर 77% मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर है। वेल, आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब द अदर्स मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में ग्रेस नाम की औरत को दिखाया गया है, जो एक डरावना सपना देखकर जाग जाती है और चिल्लाने लगती है। ग्रेस का घर बहुत बड़ा था, तो वह घर की देखभाल के लिए और कामकाज के लिए तीन नौकर काम पर रखती है। तीनों में से एक माली था जिसका नाम मिस्टर टर्टल था। वही बूढ़ी औरत का नाम मिसिज मिल्स और उनके साथ आई हुई एक लड़की का नाम लिडिया था। उन दोनों पर घर के कामकाज की जिम्मेदारी थी। लिडिया बोल नहीं सकती थी, यानी कि वो गूंगी थी। उसने अपनी आवाज किसी हादसे के बाद खोई थी। अब ग्रेस उन तीनों को अपने कुछ रूल्स बताती है। ग्रेस कहती है कि घर की सब खिड़कियों पर हमेशा पर्दे रहने चाहिए, वही घर के सारे दरवाजे हमेशा बंद रहने चाहिए। वजह, घर के किसी भी रूम का दरवाजा कभी भी नहीं खोलना चाहिए। अब ग्रेस ऐसे रूल्स रखने की वजह बताती है। वो कहती है कि घर में सनलाइट बिल्कुल भी नहीं एंटर होनी चाहिए, क्योंकि ग्रेस के दो बच्चे थे जिन्हें फोटो सेंसिटिविटी थी, यानी कि सनलाइट की वजह से उनकी स्किन जलने लगती थी। यह एक रेयर बीमारी थी और दोनों बच्चों को सनलाइट से दूर रखा जाए, यही बस इस बीमारी का सॉल्यूशन था। ग्रेस की बेटी का नाम एना था। अब नाश्ता करते वक्त एना मिसिज मिल से कहती है कि उनसे पहले इस घर में एक औरत काम करती थी, पर वो एक दिन अचानक गायब हो गई। और उसी दिन ग्रेस बहुत ही गुस्से में थी और अजीब बिहेव कर रही थी। यह सुनकर ग्रेस का बेटा निकोलस मिल से कहता है कि एना झूठ बोल रही है। अब वहां पर ग्रेस आती है, उसने शायद एना की बातें सुन ली थी। ग्रेस मिल से कहती है कि एना हमेशा ऐसी बकवास बातें करती रहती है, तो आपको उसकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। तब मिल्स ग्रेस से कहती है कि दरअसल वो कई साल पहले इसी घर में काम करती थी। अब रात के वक्त ग्रेस को घर में किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। ग्रेस बच्चों के रूम में आकर देखती है तो वो दोनों शांति से पढ़ाई कर रहे थे, पर एना कहती है कि हमारे घर में एक विक्टर नाम का छोटा लड़का है और शायद वही रो रहा होगा। एन कहती है कि विक्टर अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आया है और उसके डैड बहुत ही अच्छा पियानो बजाते है। एना की बातें सुनकर ग्रेस को गुस्सा आता है। वो एना से कहती है कि ऐसी झूठी बातें बताकर अपने भाई निकोलस को डराना बंद करो, ये अच्छे मैनर्स नहीं है। वही ग्रेस को घर में एक दरवाजा खुला दिखाई देता है। यह देखकर ग्रेस मिल्स को बहुत डांटती है। वो उन्हें कहती है कि आपकी छोटी सी गलती की वजह से मेरे दोनों बच्चे मारे जाएंगे। अब रात को एना और निकोलस अपने रूम में सो रहे थे तो कोई उस कमरे के पर्दे खोल रहा था। एना निकोलस से कहती है कि वो पर्दे विक्टर खोल रहा है, पर निकोलस कहता है कि यहाँ पर कोई विक्टर नहीं रहता, तो प्लीज मुझे डराना बंद करो। अब वहाँ पर हमें दिखाया गया है कि कोई वो पर्दे खोल देता है, पर वहाँ पर विक्टर या कोई दूसरा शख्स नहीं दिखाई देता। एना कहते है कि विक्टर कहता है कि यह घर उसका है। यह सुनकर डर के मारे निकोलस चिल्लाने लगता है। निकोलस की चीख सुनकर ग्रेस वहाँ पर आती है और झूठी बातें बताकर अपने भाई को डराने के लिए वो एना को पनिशमेंट देती है। वही दूसरे दिन ग्रेस बैठी थी, तभी उसे ऊपर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। उसे लगा कि शायद लिडिया वहां पर है, पर वो खिड़की के बाहर देखती है तो वहां लिडिया मिल्स के साथ खड़ी थी। यह देखकर ग्रेस को भी शक होता है कि शायद घर में जरूर कोई दूसरा शख्स है। ग्रेस को अब तीन लोगों के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर आकर एना से मिलती है तो एना कहती है कि अभी उसने तीन लोगों को स्टोर रूम में जाते हुए देखा है। ग्रेस जैसे स्टोर रूम में आती है उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो कह रहे थे कि शी इज हियर इन दिस रूम। यह सुनकर ग्रेस डर जाती है। वही स्टोर रूम का दरवाजा कोई ओपन करता है। यह देखकर ग्रेस चौंक जाती है। वो बाहर आती है तो एना उसे कहती है कि मैंने अभी तीन लोगों को स्टोर रूम से बाहर जाते हुए देखा और वो कह रहे थे कि यह घर हमारा है और हम जल्दी सारे पर्दे हटा देंगे। अब एना एक स्केच अपनी मॉम ग्रेस को दिखाती है। वो कहती है कि इस घर में एक छोटा लड़का और उसके मॉम डैड है। वही यहाँ पर कभी कभी एक बूढ़ी औरत भी आती है जो बहुत ही डरावनी लगती है। वो बूढ़ी औरत भी एना से बात करती है। ग्रेस एक गन लेकर पूरे घर को देखती है, पर उसे घर में और कोई नहीं दिखाई देता। घर में सर्च करते हुए ग्रेस को एक बुक मिलती है जो बहुत ही पुरानी थी। उसमें मरे हुए लोगों की फोटो एल्बम थी। पहले यह रिवाज था कि
कि अगर कोई भी शख्स मर जाए तो उसकी वही डेड बॉडी वाली फोटो डेड बुक में यादगिरी के तौर पर लगाई जाती थी, क्योंकि लोगों का मानना था कि मरा हुआ इंसान इस किताब और तस्वीर के जरिए हमेशा जिंदा रहेगा, यानी कि उसकी रूह को शांति मिलेगी। अब इस बुक के अलावा ग्रेस को पूरे घर में कोई चीज नहीं मिलती। ग्रेस मिल्स से इस घर के पास के बारे में पूछती है तो मिल्स कहते हैं कि पहले इस घर में 15 नौकर काम करते थे, पर किसी वजह से घर के मालिक घर छोड़कर चले गए। अब यहाँ पर सिर्फ 3 ही नौकर बचे थे। उन दिनों यहाँ पर सबको टीबी यानी कि ट्यूबर क्लोसिस होने लगा था और इस बीमारी की वजह से सब लोग मर रहे थे। अब सिचुएशन और खराब होने की वजह से मिल्स, लीडिया और मिस्टर टर्टल भी यहाँ से चले गए थे। अब कई सालों बाद वो तीनों काम की तलाश में यहाँ पर फिर वापस आए थे। ग्रेस भी मिल से कहते हैं कि उसके हस्बैंड चार्ल्स 1 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने गए थे, पर वॉर खत्म होने के बाद भी वो अब तक वापस नहीं लौटे थे। ग्रेस और उसके बच्चों को अब भी यकीन था कि चार्ल्स जिंदा है और यहाँ वापस जरूर आएंगे। ग्रेस भी यहाँ इतनी दूर चार्ल्स के लिए ही रुकी थी। अब रात के वक्त ग्रेस को पियानो बजने की आवाज सुनाई देती है। ग्रेस देखती है कि पियानो का लॉक ओपन था तो वह पियानो लॉक कर देती है। वो अब दरवाजे के पास खड़ी थी तभी वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वही वो लॉक किया हुआ पियानो भी फिर से ओपन हो गया था। यह देखकर ग्रेस भी समझ गई थी कि एना सच बोल रही थी और इस घर में सचमुच कोई स्पिरिट आ गई है। अब ग्रेस घर से बाहर आती है क्योंकि वो चाहती थी कि किसी प्रिस्ट को बुलाकर अपने घर को इस स्पिरिट से बचा सके। ग्रेस मिस्टर टटल से भी कहते हैं कि आप कब्रिस्तान में जाकर देखें कि क्या किसी विक्टर नाम के बच्चे की कब्र वहां पर है, क्योंकि ग्रेस को लगा कि विक्टर और उसकी फैमिली शायद पहले इसी घर में रहते थे और मरने के बाद इस घर पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे। ग्रेस के वहां से जाने के बाद मिस्टर टर्टल और मिल्स बात कर रहे थे। मिल्स कह रहे थे कि ग्रेस को आखिर में सब पता चल जाएगा। मिल्स टर्टल को वहां पर 3 ग्रेवस्टोन कवर करने के लिए कहती है, यानी कि मिल्स टर्टल और लीडिया को घर में हो रही सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का कंप्लीट आइडिया था, वो सीक्रेट जानते थे। वही मिल्स कहती है कि ग्रेस घर से ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी क्योंकि यहाँ पर बहुत फोग है जिसकी वजह से रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। ग्रेस अब उस फोग में आगे बढ़ रही थी तभी अचानक उसके सामने उसका हस्बैंड चार्ल्स आ जाता है जो पिछले 1 साल से गायब था। ग्रेस चार्ल्स को लेकर घर आती है। अपने डैड को सही सलामत देखकर बच्चे भी काफी खुश थे, पर चार्ल्स बहुत बदला सा लग रहा था। वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था। वही ग्रेस अपनी बेटी एना को एक व्हाइट ड्रेस पहनाती है क्योंकि चार्ल्स के वापस आने से वो बहुत खुश थी, पर तभी ग्रेस को उसी ड्रेस में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो ग्रेस से एना की ही आवाज में बात कर रही थी। औरत को देखकर ग्रेस डर जाती है और उस पर हमला करती है, पर हकीकत में वहां पर उसकी बेटी एना ही थी। अपनी मॉम की ऐसी हरकत से नाराज होकर एना उसे पागल कहती है। एना अपने भाई निकोलस से भी कहती है कि हमारी मॉम अब पहले जैसे पागलों की तरह बिहेव करने लगी है। वही दूसरे दिन ग्रेस देखती है कि उसके हस्बैंड चार्ल्स घर में नहीं थे, वो यहाँ से चले गए थे। अब ग्रेस बहुत ही अपसेट हो जाती है। वही उसे अपने बच्चों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि किसी ने घर के सारे पर्दे निकाल लिए थे जिससे सनलाइट सीधा घर में आ रही थी। ग्रेस अपने बच्चों को एक बड़े कपड़े से ढककर सनलाइट से बचाते हुए एक बोर्ड के पीछे छुपा देती है। वही दूसरी ओर मिस्टर टर्टल, मिल्स और लीडिया वहां पर चुपचाप खड़े थे। यह देखकर ग्रेस को लगता है कि घर के पर्दे इन तीनों ने हटाए थे, तो वह गुस्से में आकर तीनों नौकर को घर से निकाल लेती है। रात के वक्त एना और निकोलस घर से बाहर अपने डैड चार्ल्स को ढूंढने के लिए निकलते हैं क्योंकि वह दोनों अपनी मॉम ग्रेस के अजीब बिहेव से परेशान थे। अब वहां एना को 3 कब्र मिलती है। यह तीनों कब्र मिल्स, मिस्टर टर्टल और लीडिया की थी, यानी कि उनके घर पर अब तक काम कर रहे तीनों नौकर ऑलरेडी कई साल पहले मर चुके थे। अब वो तीनों नौकर एना और निकोलस के सामने थे। उन्हें वहां देखकर दोनों बच्चे वहां से भागते हैं। वही दूसरी ओर ग्रेस को बुक ऑफ डेड में मिस्टर टर्टल, मिल्स और लीडिया की तस्वीर मिलती है। यह देखकर ग्रेस भी समझ गई थी कि वो तीनों मर चुके हैं। अब ग्रेस बाहर आकर उन लोगों पर गोली चलाकर उन्हें मारने की कोशिश करती है, पर उन पर कोई असर नहीं हो रहा था, तो ग्रेस घर में आकर दरवाजा कंप्लीट लॉक कर देती है। मिल्स ग्रेस से कहती है कि वो तीनों भी कई साल पहले ट्यूबरक्लोसिस से मर चुके थे। वो कहती है कि मुर्दा लोगों को जिंदा लोगों के बीच रहना सीखना होगा। मिल्स कहती है कि घर के पर्दे उन्होंने नहीं हटाए थे, वो पर्दे विक्टर की फैमिली ने हटाए थे।
उसके दोनों बच्चे भागकर अपने रूम में छिप जाते हैं, पर उस वक्त एक बूढ़ी औरत उन्हें ढूंढ लेती है। ग्रेस अपने बच्चों की चीख सुनकर ऊपर के कमरे में आती है। वहां पर एक फैमिली अपने बच्चों के साथ थी। यह सब देखकर ग्रेस बहुत ही अजीब फील करने लगती है। आखिर उसके घर में यह लोग कौन थे? वेल, यहाँ पर मूवी का मेन सस्पेंस से पर्दा उठाया गया है। दरअसल वो बूढ़ी औरत एक माध्यम थी मुर्दा लोगों से बात करने का। वो एना से बात करती थी। वो बूढ़ी औरत गोश्त से बात कर सकती थी, यानी कि एना, निकोलस और ग्रेस भी मर चुके थे, पर उन्हें यही लगता था कि वो लोग जिंदा है। ग्रेस के हस्बैंड रिचर्ड वर्ल्ड वॉर टू में ही मारे गए थे, और उनके वापस न आने की वजह से ग्रेस ने अपने दोनों बच्चों को डिप्रेशन में आकर मार डाला था, और इसके बाद ग्रेस ने भी अपने आप पर गोली चलाकर सुसाइड कर ली थी। अब इसके बाद वह तीनों इस घर में बस ऐसे ही रहते थे जैसे कि वो लोग जिंदा हो। निकोलस और एना मर चुके थे। अब गोश्त बनने के बाद उन्हें सनलाइट से डरने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब उन्हें फोटो सेंसिटिविटी नहीं थी। वही विक्टर और उसकी फैमिली जिंदा थी, जो अब इसी घर में रहते थे, और उनकी फैमिली ग्रेस और उसके बच्चों की वजह से परेशान थे। अब सच्चाई जानकर ग्रेस गुस्से में आ जाती है और टेबल पर रखे हुए कागज उछालने लगती है। वही उसी वक्त विक्टर और उसकी फैमिली वहां किसी इनविजिबल गोश्त को फील करते हैं, जो टेबल हिला रही थी और कागज उछाल रही थी, यानी कि वह गोश्त कोई और नहीं पर ग्रेस ही थी। अब विक्टर के मॉम डैड डिसाइड करते हैं कि अब वो इस हॉन्टेड घर में और नहीं रहेंगे, तो दूसरे दिन वो सब यहां से चले जाते है। वही मिल्स ग्रेस से कहते है कि लीडिया भी मरने के बाद यही समझ रही थी कि वो जिंदा है, पर जब उसे एहसास हुआ कि वो एक गोश्त है तो उसकी आवाज चली गई। अब ग्रेस और उसके दोनों बच्चे इसी घर में सब गोश्त के साथ रहने लगे थे, और वही इस घर को फिर से बेचने के लिए रखा जाता है। यहाँ पर मेन सवाल यह है कि ग्रेस और उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर टू में ग्रेस के हस्बैंड चार्ल्स गए थे और वो वहां पर मारे गए, और चार्ल्स वापस ना आ सके तो उसके गम में ग्रेस पागल सी होने लगी, और एक दिन उसने डिप्रेशन में आकर अपने दोनों बच्चों को मार डाला और खुद भी सुसाइड कर ली। अब ग्रेस और उसके दोनों बच्चों के मरते ही उनके घर के नौकर वहां से चले गए थे, इसीलिए एना मिलर से कहती थी कि हमारे नौकर अचानक ही घर से चले गए थे, और एना कई बार बोलती थी कि उस दिन मॉम पागल हो गई थी, यानी कि वह उसके डेथ डे की ही बात कर रही थी। मूवी की स्टार्टिंग में भी ग्रेस एक डरावना सपना देखकर चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसने अपने बच्चों को और खुद को मार डाला था, पर उसे यह हकीकत एक सपना लगा। ग्रेस अपने हस्बैंड चार्ल्स से इसीलिए मिल पाई क्योंकि चार्ल्स भी वॉर में मारे गए थे, और चार्ल्स भी अपसेट था क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि उसकी वाइफ ग्रेस और उसके दोनों बच्चे एना और निकोलस भी मर चुके हैं। वही घर के आसपास हमें बहुत ही फोक दिखाई गई है, क्योंकि मरने के बाद इंसान अपनी मरने की जगह से ज्यादा दूर नहीं जा सकता, और यह फोक मरने वाले इंसान की एक लिमिट थी जिससे दूर वो नहीं जा सकता था, यानी कि ग्रेस को अब अपने बच्चों के साथ इसी घर में रहना होगा। वही एक सीन में हमने देखा था कि ग्रेस को अपनी बेटी की जगह वह बूढ़ी औरत दिखाई देती है। उसकी वजह यह थी कि वह बूढ़ी औरत सिर्फ एक माध्यम थी और वह एना से बात करती थी, इसीलिए एना भी विक्टर को और उसकी फैमिली को देख सकती थी, और उस दिन वह बूढ़ी औरत एना से बात कर रही थी, इसी वजह से ग्रेस भी उसे देख सकती थी। अब गुस्से में आकर जब ग्रेस ने अटैक किया तो वह कनेक्शन टूट गया और उसने अपनी बेटी एना पर ही हमला किया। सो आई होप कि आप इस मूवी के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, और बस यही पर द अदर्स मूवी खत्म हो जाती है। बस यही पर द अदर्स मूवी के एक्सप्लेनेशन वीडियो खत्म करता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।